सब ठीक तो है ना? सभी की ताई ठीक है? ईशान ईशान ईशान, अरे काय झालं तुला? वेडा झालास का तू? रीवा कब से तुझसे कुछ पूछ रही है, तू उसे जवाब ही नहीं दे रहा है। देख ईशो, मेरी बात ध्यान से सुन, जो हुआ सो हुआ। अब मैंने यहाँ पे सब कुछ मैनेज कर लिया है, सब कुछ संभाल लिया है मैंने, अब यहाँ पे तेरी कोई जरूरत नहीं है। तू ये मासा बरबर करी ये रीवा। क्या मैनेज कर लिया आपने, और क्या मतलब है आपका कि मेरी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे? मेरा कहने का मतलब ये है इशू कि मैंने हॉस्पिटल के सारे ड्यूज क्लियर कर लिए हैं, अब सवी और उसकी बहन को यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल अथॉरिटी से भी बात की है मैंने, 50,000 रुपए एडवांस भी दिए हैं। अपना काम खत्म, चल निकल यहां से। ये मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सवी की फैमिली की अभी मौत हुई है, खुद मौत के मुंह से बाहर निकली है वो, पर आपने देखा था ना उसका मेंटल स्टेट क्या है? जब वो होश में आएगी तो कैसे रिएक्ट करेगी वो? उसका कोई जान पहचान वाला भी यहाँ पर नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मैं उसे छोड़कर चले जाऊं यहाँ से? अरे इशू क्या हो गया तुझे, तू खरोखर वेड़ा जाला है इसका? तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या कर रहा है? पहले वो सामान समारो, फिर सभी के फैमिली का मर्डर, और अब तू खुद ये। इशू, नेकी करके दरिया में कूदने से पहले ये अच्छे से जान लेना चाहिए कि दरिया कितना गहरा है। ऐसा ना हो कि आदमी खुद उसमें डूब जाए। खुदा ना खास्ता अगर उस लड़की को कुछ हो जाता तो लोग तुझे बदनाम करते, बेइज्जती करते तेरी, क्योंकि इन सब में सिर्फ और सिर्फ तू सवी के साथ खड़ा था। डायरेक्टर ऑफ भोसले इंस्टीट्यूट मिस्टर ईशान भोसले। किसी की मदद करना गलत है काका। अरे सोन ना इशू, मीडिया वालों को है ना सिर्फ और सिर्फ मसाला चाहिए। उन्हें एक माचिस की काड़ी मिल जाएगी ना तो उससे ऊपर बॉनफायर बना देंगे। सच झूठ सही गलत है जानने में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। और ये जो है ना अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस है, पुलिस की कार्रवाई होगी वो अलग। तो भूल रहे क्या, बहुत जल्दी तेरी शादी रीवा के साथ होने वाली है। मैं तुझे और इस दलदल में फंसने नहीं दूंगा। जी ये माजा बराबर घरी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सभी की हालत ठीक नहीं है, मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। तेरा दुश्मन हूं? दुश्मन तो नहीं हूं ना इशू, जो भी कह रहा हूं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं। ये सब करके ना तो सिर्फ खुद की बल्कि हम सबकी प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। ये माजा बराबर, ये मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं निशिका का, जो मेरा हाथ पकड़ के बाहर लेके जाएंगे। मैंने आपसे कह दिया मैं सभी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, मतलब नहीं जा सकता, बात खत्म। पता है तू बच्चा नहीं, लेकिन बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? फंस जाएंगे हम लोग बुरी तरह से। बस कीजिए आप, तो हॉस्पिटल है ये, सब देख रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।